अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। दिस लेक्चर इज़ फॉर ग्रेड 5, सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश, यूनिट नंबर 3, एंड द टॉपिक इज़ रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो एक बुक का नाम है, डेनियल डिफो ने ये बुक, ये इंग्लिश नावल है, ये डेनियल डिफो ने लिखा है। और आज हम लोग जो है इसका पेज नंबर 28 और 29 जो है उसकी रीडिंग करेंगे। बिफोर मूविंग अहेड वी विल डिस्कस ड्रिल वर्ड्स। हम सबसे पहले ड्रिल वर्ड्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज़ एमोनेशन। एमोनेशंस होती हैं बुलेट्स या शेल्स, वो गोलियां जो कि गन्स में यूज़ होती हैं। कोर्स, रास्ता। जैगेंटिक, बहुत बड़ा। हरिकेन, तूफानी आंधी। मास, मस्तूल। ओवरबोर्ड, जहाज पर से। रिजॉल्व, हल कर लिया गया। स्टॉकेट, बाढ़ जो फेंस होती है लगी होती है। टोर्नेडो, तूफान। वेसल, शिप। वॉयलेंट, तशद्दुद। वोएज, सफ़र। फर्स्ट पैरा जो है उन्होंने उसमें इस पैरे में ये बताया हुआ है कि रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो एक बुक का नाम है, डेनियल डिफो ने लिखी है। डेनियल डिफो जो है वो कब पैदा हुआ और उसने लिखना कब स्टार्ट किया 40 की एज में, पोएम्स और जो है वो गवर्नमेंट के जो अगेंस्ट लिखता था जिसकी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा। और उसके बाद जो है उसने 60 की एज में ये वाली जो इंग्लिश नावल था रॉबिन्सन क्रूसो लिखा, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उसकी और बहुत पसंद किया गया बच्चों में भी और ये बहुत फेमस हुआ। और इसमें क्या बताया गया है, रॉबिन्सन क्रूसो हमें स्टोरी बताता है किस तरह से उनका जो जहाज था वो तबाह हुआ। तो लेट्स स्टार्ट। वी स्टार्टेड ऑफ ऑन आवर वॉयज इन गुड वेदर ऑल्दो इट वाज वेरी हॉट। उन्होंने बड़े अच्छे मौसम में सफ़र शुरू किया लेकिन गर्म मौसम गर्म था। आफ्टर अबाउट 12 डेज हाउएवर अ वॉयलेंट टोर्नेडो केम फ्रॉम द नॉर्थ। जब 20 दिन का मतलब उन्होंने अभी सफ़र 20 डेज का सफ़र उन्होंने किया था, एक बहुत ही शदीद किस्म की जो थी तूफानी आंधी आई नॉर्थ वाली साइड से। द वेव्स रोज हाई, द स्काइज वर ब्लैक एंड द विंड हॉल थ्रू द सेल्स। क्या था, जो लहरें थीं बहुत ऊंची हुई, समंदर की लहरें जो थी बहुत ऊंची हो गई, जो आसमान था वो बिल्कुल उस पर काले बादल छा गए, ब्लैक हो गया। और जो हवा थी वो पानी में से इस तरह से गुजर के आ रही थी, बड़े मतलब बहुत ज़्यादा नॉइज, बहुत ज़्यादा साउंड उसकी आ रही थी पानी की। टू मेंबर्स ऑफ द क्रू वर वॉश्ड ओवरबोर्ड एंड आफ्टर अ डे और टू द शिप बिगेन टू लीक। दो मेंबर जो थे अमले के, वो जो शिप पर काम करने वाले होते हैं, वो जहाज पर से ही उनको वो जो लहरें थी पानी की उनको उन्होंने बहाकर नीचे ले गई और दो दिन के बाद उनकी जो शिप थी वो लीक होना स्टार्ट हो गई। वी चेंज आवर कोर्स एंड सेल्ड आउट ऑफ द हरिकेन। उन्होंने अपना रास्ता तब्दील किया और उन्होंने फिर वो जो था उस तूफान से, उस शदीद तूफान के अंदर से उन्होंने सफ़र शुरू किया। बट द नेक्स्ट डे अ सेकेंड टेरिबल स्टॉर्म अटैक्ड अस। लेकिन फिर क्या हुआ, अगले दिन एक दूसरे तूफान ने उन पर हमला किया और बहुत ही शदीद था वो। वी कुड सी द शोर ऑफ द सम अननोन लैंड बट द सी वॉज वेरी रफ। उन्होंने कोशिश की कि किसी साहिल पर कोई साहिल उन्हें मिल जाए जिस जहाँ वो जा सकें लैंड पर, लेकिन जो था सी, जो समंदर था बहुत ही ज़्यादा रफ उनके लिए, मतलब वो जो तूफान था उसकी वजह से उन्हें बहुत ही डिफ़िकल्टीज पेश आ रही थी। द रेन डैश डाउन एंड वी वर अफ्रेड टू अप्रोच क्लोज टू द लैंड। वो बारिश भी होना शुरू हो गई और उन्हें डर लग रहा था कि अब वो लैंड के पास कैसे पहुँचेंगे। Our only hope was to clamber into a small boat and try to row to the shore. उनके लिए वो जो चढ़ाई करना थी वो बहुत ही मुश्किल थी स्मॉल बोट के साथ, और वो जो थे वो लोग किसी साहिल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, किनारे की तरफ। Four of us managed to get the boat into the sea and we jumped into it. उन्होंने वो शिप जो थी वो समंदर में उतारी और चार लोगों ने मिलके, और फिर उन्होंने उस जो शिप थी उसमें
बोट कश्ती जो थी उसमें उन्होंने मतलब खुद वो सवार हो गए। वी रोड विद ऑल आवर माइट बट द वेव्स वर लाइक माउंटेन्स। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की उस कश्ती को चलाने की जो छोटी बोट थी उनके पास, लेकिन वो वेव्स जो लहरें थी पानी की उनको इस तरह से फील हो रहा था कि जैसे वो पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। कश्ती चलाना इतना मुश्किल हो रहा था उनके लिए। वी स्ट्रगल ऑन, उन्होंने बहुत कोशिश की, बट एट लास्ट अ जाइगेंटिक वेव ग्रेटर देन ऑल द अदर्स हर्ल्ड आवर लिटिल बोट्स इन टू द एयर एंड इट सैंक बीनीथ अस। लेकिन क्या हुआ, जब वो कोशिश कर रहे थे तो एक बहुत बड़ी लहर आई पानी की, सारी लहरों में से वो बड़ी थी, और उसने क्या किया, उनकी जो बोट थी उनको फेंक दिया, मतलब गिरा दिया। वो लोग जो थे वो भी पानी में डूब गए और उनकी बोट उनके ऊपर। आई एम ए गुड स्विमर एंड फॉर एन आवर एंड ए हाफ आई बैटल्ड इन दैट स्टॉर्मी सी। वो बताता है कि मैं बड़ा अच्छा स्विमर था, तैर सकता था, और तकरीबन कोई एक आधा घंटा मैंने उस तूफानी जो समंदर था उससे लड़ते लड़ते आखिरकार एज आई कॉट साइड ऑफ द कोस्ट अ ह्यूज वेव वुड लिफ्ट मी अप एंड कैरी मी आउट टू द सी अगेन। एक बड़ी लहर आती थी वो जो थी उसे, जाहिर बात है अब समंदर में जो लहर आ रही थी वो किसी भी मतलब सिमत की हो सकती है, तो वो उसे कभी उठा के इस तरफ ले आती, कभी उस तरफ वापस ले जाती। वो जाने की कोशिश आगे की तरफ करता लेकिन वो फिर उसे पीछे ले आती। आई ट्राई टू रीच द शोर अगेन एंड अगेन, बार बार वो आगे जाने की कोशिश करता था। एंड आई वॉज थ्रोन अवे बाय द रैगिंग सी अगेन एंड अगेन, और बार बार वो जो लहरें थी वो शदीद किस्म की उसे बार बार पीछे की तरफ फेंक देती थी। एट लास्ट आई वॉज हर्ल्ड थ्रू द शोर एंड फेल डाउन एग्जॉस्टेड ऑन द सैंड। आखिरकार उससे जो था वो समंदर किनारे की तरफ आ ही गया और वो बहुत थका हुआ था, और वो रेत पर, सैंड वो जो रेत है उस पर, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि वो यहाँ उस पर गिर गया। द नाइट वॉज डार्क विदाउट अ स्टार इन द स्काई एंड आई न्यू दैट लेइंग ऑन द सैंड वुड बी डेंजरस। बहुत अंधेरी रात थी, सितारे भी जो थे आसमान पर नहीं थे, और उसे लग रहा था कि यहाँ रेत पर रहना जो है वो खतरनाक हो सकता है। आई क्रॉल्ड अवे फ्रॉम द सी एज फास्ट एज आई कुड एंड केम टू सम बुशेस एंड ट्रीज। वो रींगता हुआ जो था उस समंदर से थोड़ा सा आगे आया और वो बुशेज और ट्रीज के पास आ गया, झाड़ियाँ और दरख्त थे। आई डिडेंट नो वट वाइल्ड एनिमल देयर वुड बी इन। अब जो ट्रीज थे और जो झाड़ियाँ थी उनमें तो जाहिर बात है डेंजरस एनिमल्स भी होते हैं, लेकिन अब वो उसे पता तो नहीं था कि कौन हो सकता है। सो आई क्लाइंब्ड अप वन ऑफ द ट्रीज एंड मेड माई सेल्फ कम्फर्टेबल बिटवीन टू ग्रेट ब्रांचेस। अब वो चढ़ा उसके ऊपर, दरख्तों के ऊपर, और उसने अपने आप को दो ब्रांचेस के दरमियान जो था वो सेटल करके तो वो आराम करने लगा। देयर आई स्लेप्ट द नाइट एज वेल आई कुड, और वो पूरी रात मतलब वो सोया जैसे भी वो उसने मैनेज करना था। इन द मॉर्निंग आई लुक्ड आउट अक्रॉस द सी एंड देयर वॉज अवर शिप अ क्वार्टर ऑफ द माइल अवे फ्रॉम द शोर। सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि थोड़े से फासले पर उसकी शिप जो है वो खड़ी हुई है। आई केम डाउन द ट्री एंड फाउंड अ स्ट्रीम वेयर आई ड्रैंक सम ऑफ द कूल फ्रेश वाटर। आई ले डाउन एंड स्लेप्ट अगेन। नीचे उतरा, उसने एक नदी उसको नजर आई, वहां से उसने पानी पिया, थोड़ा सा फ्रेश हुआ, और उसके बाद वो दोबारा से लेट गया सोने के लिए। द सन वॉज हाई इन जो समंदर जो था वो बहुत ही मतलब चढ़ आया था ऊपर। तो अब हम जो है इसकी नेक्स्ट पेज की रीडिंग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।